हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैटिंग में यूज़ होने वाले शॉर्ट वर्ड्स, जिनको स्लैंग वर्ड्स भी बोलते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर इसी तरह की चैटिंग करना पसंद करते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करना पसंद करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर। तो आप भी चैटिंग करते वक्त यूज़ कर सकते हैं स्लैंग वर्ड्स का। तो चलिए सीखते हैं ये वर्ड्स और उनके मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है WTH। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, चैटिंग में इसी तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी ने मैसेज में इस तरह से लिखकर भेजा है तो आप इसका मतलब समझिए व्हाट द हेल, यानी हिंदी में बोलें तो क्या बकवास है। तो अगर आप भी इसी तरह किसी को बोलना चाहते हैं क्या बकवास है, व्हाट द हेल, तो आप इसको शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं WTH। नेक्स्ट वर्ड है TBH। इसकी फुल फॉर्म होती है टू बी ऑनेस्ट, और इसका हिंदी में मतलब होता है ईमानदारी से या ईमानदार। इसको टू बी एच भी लिख सकते हैं, TBH या TBH, दोनों का मतलब सेम होता है, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है HBD। अगर आपका कोई फ्रेंड इस तरह से लिखकर भेजे तो आप इसका मतलब समझेंगे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे के लिए ये शॉर्ट फॉर्म HBD यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है IG। ये इंस्टाग्राम के लिए यूज़ किया जाता है, ये इंस्टाग्राम का शॉर्ट और स्लैंग वर्ड बोल सकते हैं IG, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है XOXO, यानी इसका मतलब हुआ हग्स एंड किसेस। जब आप मैसेज में हग्स एंड किसेस लिखना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं XOXO। ये एक्सप्रेस करता है लव को, फेथ को एंड गुड फ्रेंडशिप को। तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने लव के लिए। नेक्स्ट है W4U। यहाँ पे W का मतलब हुआ वेटिंग, और यहाँ पे जो फोर नंबर है इसका मतलब हुआ फॉर, और U यानी जब आप मैसेज में U लेटर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है यू यानी आप। तो इसके पूरे का मतलब हुआ तुम्हारा इंतज़ार है, वेटिंग फॉर यू। मान लीजिए आपने किसी से मैसेज में पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट वर यू डूइंग, और उसने आपको रिप्लाई किया आई वॉज W फॉर यू। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ जाइए कि वो कह रहा है आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है TYSM। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड की हेल्प की तो उसने आपको मैसेज में लिखा TYSM, तो इसका मतलब हुआ थैंक यू सो मच। यहाँ पे T का मतलब होता है थैंक, Y का मतलब यू, एंड S का मतलब सो, और M से मतलब है मच। थैंक यू सो मच, TYSM। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, आप भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं थैंक यू सो मच की जगह पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है F9। यहाँ पे जब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो ये साउंड करेगा फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं, तो उसने लिखा आई एम F9, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझेंगे कि वो कह रहा है आई एम फाइन। आई एम F9 मतलब आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है W8। ये भी इसी तरह से है, जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, जब इसको हम बोलेंगे तो ये साउंड करेगा वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार। तो आपको अगर किसी को बोलना है इंतज़ार या कुछ इस तरह से लिखना है तो आप उसकी जगह W8 शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है CU। यहाँ पे सी और यू का मतलब हुआ CU, यानी फिर मिलेंगे। नेक्स्ट है SYS। SYS का मतलब है CU soon। ये CU soon की शॉर्ट फॉर्म है SYS, और इसका हिंदी में मतलब होता है जल्दी ही मिलेंगे। तो अगर आपको किसी को मैसेज में इस तरह से लिखना है सी यू सून, तो उसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं SYS। नेक्स्ट है RIP। यहाँ पे R की फुल फॉर्म है रेस्ट, I की फुल फॉर्म है इन, और P की फुल फॉर्म है पीस, यानी रेस्ट इन पीस। इसका हिंदी में मतलब होता है आत्मा को शांति मिले। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं आत्मा को शांति मिले, तो इसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं रेस्ट इन पीस। तो इसकी जगह पर अगर आपको किसी को लिखकर भेजना है तो RIP बोल सकते हैं, शॉर्ट में RIP। नेक्स्ट है LOL, यानी LOL। LOL के यहाँ पर दो मतलब हैं। पहला मतलब है लाफ आउट लाउड, यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ ज़ोर से हंसता है। अगर आपको कोई मैसेज में लॉल लिखकर भेजे तो आप समझ जाइए वो हंस रहा है,
जैसे अगर आपने किसी को जोक भेजा या कोई मैसेज किया और उसने रिप्लाई में लॉ लिखकर भेजा, तो समझ जाइए वो आपके मैसेज पर हंस रहा है या आपके जोक पर हंस रहा है। और दूसरा इसका मतलब है लॉट्स ऑफ लव, इसका हिंदी में मतलब हुआ बहुत सारा प्यार। तो अगर आपको किसी को लॉट्स ऑफ लव भेजना है तो आपको शॉर्ट फॉर्म इसको लॉल लिखकर भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं MSG। MSG का फुल फॉर्म होता है मैसेज। अगर आपको मैसेज में ही मैसेज लिखकर भेजना है, चैटिंग में मैसेज लिखकर भेजना है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में MSG लिखकर भेज सकते हैं। नेक्स्ट है ASAP, ASAP यानी ASAP। इसका फुल फॉर्म हुआ एज सून एज पॉसिबल और इसका हिंदी में मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट वर्ड है F2F। यहाँ पे F से मतलब है फेस और बीच में टू नंबर से मतलब होता है टू और लास्ट वाले F से मतलब है फेस यानी फेस टू फेस। फेस टू फेस का हिंदी में मतलब होता है आमने सामने। जैसे आप किसी को भेजना चाहते हैं लिखकर आमने सामने, तो उसके लिए आप फेस टू फेस इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म F2F बोल सकते हैं। नेक्स्ट है FB। FB की फुल फॉर्म होती है फेसबुक। फेसबुक अगर आपको कोई FB लिखकर भेजे तो इसका मतलब समझिए उसने भेजा है फेसबुक। नेक्स्ट है GR8। GR8 को जब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब हम इसको बोलेंगे, तो इसका साउंड निकलेगा ग्रेट ग्रेट, और ग्रेट का मतलब होता है बढ़िया बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप GR8 लिख सकते हैं ग्रेट की जगह पर। नेक्स्ट वर्ड है HAHA यानी हाहा। ये लाफिंग के लिए यूज़ होता है, तो अगर आपको कोई इस तरह से लिखकर भेजता है तो समझ जाइए कि वो हंस रहा है। ये लाफिंग के लिए यूज़ होने वाला एक स्लैंग वर्ड है जो चैटिंग में इस तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह का एक और वर्ड है HEHE, इसका मतलब भी यही हुआ हे, ये भी लाफिंग के लिए यूज़ होता है। इसको प्रोनाउंस करेंगे तो बोलेंगे हे, यानी कोई दूसरा बंदा हंस रहा है, या अगर आप मैसेज में लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं लाफिंग की जगह पर। नेक्स्ट है U2। यहाँ पे U से मतलब है यू और टू जो नंबर है इसका मतलब होता है टू यानी U2। इसका हिंदी में मतलब हुआ तुम्हें भी, U2 तुम्हें भी। नेक्स्ट है TY। यहाँ पे T से मतलब है थैंक और Y का मतलब होता है यू, थैंक यू। तो अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं किसी को तो शॉर्ट में आप TY लिखकर भेज सकते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ स्लैंग वर्ड्स जो चैटिंग में यूज़ होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं इसी तरह की मॉडर्न इंग्लिश।